370 वाले भारत के दाव से बुरी तरह फंस गया पाकिस्तान। कश्मीर से धारा 370 हटते ही इमरान खान की होने लगी फजीहत। जी हां, भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में जैसे ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा 370 को खत्म करने के प्रस्ताव बिल को मंजूरी मिली, इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार और वहां के सियासत दलों में बौखलाहट बढ़ गई। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें बड़ी खरी खोटी सुनाई है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी पाक पीएम इमरान खान को आड़े हाथों लिया है। मरियम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात करके इमरान खान को मूर्ख बनाया और ये अनुमान नहीं लगा पाए कि भारत क्या योजना बना रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि आप मिस्टर खान ये अनुमान लगाने में बिल्कुल नाकाम रहे कि क्या होने वाला है। वो या तो पूरी तरह भारत की तैयारियों से बेखबर रहे या उसका हिस्सा थे। दरअसल पिछले महीने इमरान खान की अमेरिकी यात्रा के दौरान कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों को बताया जाना चाहिए कि दोनों तरफ से क्या प्रतिबद्धताएं जताई गई। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लोगों को बताया जाना चाहिए कि इमरान खान ने अमेरिका से क्या वादा किया। मरियम ने कहा कि क्या मध्यस्थता का प्रस्ताव एक ऐसा जाल था जिस पर आप आगे बढ़ते गए और उसमें फंसते गए, अथवा हमेशा की तरह आपको इस बात का कोई सुराग ही नहीं था कि दुश्मन की क्या योजना है। उधर पाकिस्तान ने बदलते हालात पर चर्चा के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है। इस बैठक में कश्मीर में बदले हालात पर चर्चा की जाएगी। खबर है कि पाक सुरक्षा बलों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर है कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान का तिल मिलाना लाजमी है। पीएम मोदी के फैसले ने राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर एक साथ कई चीजों को बदल कर रख दिया है। अब जब जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ के साथ पूरी तरह से एकीकरण हो गया है, ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य में होने वाली आधिकारिक बातचीत की शर्तें एकदम बदल जाएंगी। अब भारत की कोई मजबूरी नहीं रहेगी कि कश्मीर को बातचीत की सूची में शामिल किया जाए। यानी कश्मीर पर भारत के दाव से पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।